नमस्कार, ताल ठोक के मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। आपके साथ मैं हूं अमन चोपड़ा। आप जानते हैं कभी कभी शो करना भी ना इतना आसान नहीं होता। हम हर रोज आपके लिए खबर लेकर आते हैं, अलग अलग खबरों के जरिए आपको हम रूबरू कराते हैं, हम खबर पर बात करते हैं, वाद विवाद करते हैं, लेकिन खबर बताते बताते हम खुद खबर बन जाएं। कुछ समय पहले बात हुई थी मेरी रोहित सरदाना से, आपको बता दें कुछ समय से वो नज़र नहीं आए, तो मैंने उनको मैसेज किया, मेरी उनसे फ़ोन पर बात हुई। उन्होंने कहा भाई टेंशन मत ले, ये उनके शब्द थे आखिरी जब मेरी उनसे बात हुई थी। हम प्रतिद्वंदी चैनल में हैं, लेकिन जब वो काफ़ी समय मुझे नज़र नहीं आए तो मैंने उनको फ़ोन किया, उनसे बात हुई, उन्होंने बताया कि टेंशन मत ले, सब ठीक है तेरा भाई। लेकिन आज सुबह अचानक से जो खबर मिली उसने पूरे जी परिवार को सदमे में डाल दिया। आपको बता दें समस्त जी परिवार की तरफ से हमारे साथी रहे, हमारे सहयोगी रहे, जी के साथ 13 सालों तक जुड़े रहे वरिष्ठ पत्रकार रोहित सरदाना, उनको पूरे जी परिवार की तरफ से विनम्र श्रद्धांजलि, भावभीनी श्रद्धांजलि। आज सुबह उनके निधन की खबर के बाद से ही पूरा जी परिवार सदमे में है, गहरा सदमा पहुंचा है, हर कोई शॉक में है, हर कोई स्तब्ध है। वो जी के साथ 13 सालों तक रहे, खासकर ये जो शो आप इस वक्त देख रहे हैं ना, ताल ठोक के की शुरुआत रोहित सरदाना ने की थी। जी परिवार के अहम सदस्य रहे और परिवार के एक सदस्य की यूं चले जाने से आज पूरा जी परिवार सदमे में है और पूरे जी परिवार की तरफ से रोहित सरदाना को श्रद्धांजलि। अब तक नेताओं के मन की बात होती थी, अब हम करते हैं आपके मन की बात, वो भी ताल ठोक। नमस्कार, ताल ठोक के देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना। शाम के 5 बज चुके हैं और वक्त है दिन की बड़ी बहस। देश के पैसे पर पढ़ने के नाम पर वहां राजनीतिक दुकानदारी चलाएंगे तो देश सवाल करेगा। आप माफी मांगिए पूरे देश से अखिलेश जी, अफजल गुरु का नाम आपने लिखा इसमें, आपने मकबूल भट्ट का नाम इसमें लिखने दिया, रोहित वेमुला का नाम कहां है? आप झूठ बोल रहे हैं, देश को बरगला रहे हैं। अगर आप तय करके आए कि आप ही को बोलना है तो मैं घड़ी शुरू कर देता हूं अभी स्क्रीन पे, अगले 5 मिनट तक आप बोलते रहिए, फिर अगले 35 मिनट में आपके पास नहीं आऊंगा। सर जेएनयू क्या दे रहा है इस देश को? ये पाकिस्तान जिंदाबाद क्या दे रहा है जेएनयू इस देश को? कश्मीर लेंगे लड़कर क्या दे रहा है जेएनयू इस देश को? अफजल गुरु एक घर से छोड़ोगे तो हर घर से निकलेगा। क्या ममता बनर्जी सिर्फ मुसलमानों की मुख्यमंत्री है? क्या ममता बनर्जी मुस्लिम वोटों की खातिर लगातार हिंदू आस्था और भावनाओं पर चोट कर रही है? और क्या ममता बनर्जी धार्मिक तुष्टिकरण की राजनीति करके जिन्ना के रास्ते पर चले? सर ये तो इसको तार-तार करने के लिए कहीं से तो शुरुआत होगी। लड़के नारा लगा रहे हैं, ऑन कैमरा सब कुछ दिख रहा है, आप कह रहे हैं बीट कांस्टेबल को पकड़ लो जाके। कुरान वाणी की माने का मेरा बेटा इस्लाम के लिए मरा, काफिरों को मारते हुए मरा, कहां है उसमें कश्मीर की आजादी? सर ये सवाल कौन कर रहा है मुझे? मैं कर रहा हूँ सर, रोहित सरदाना नाम है मेरा। आज से 4 साल पहले मैंने जी ज्वाइन किया था, तब तक रोहित सरदाना जी का साथ छोड़ चुके थे। उनके साथ स्क्रीन तो नहीं शेयर की, लेकिन कभी सोचा नहीं था इस तरह से स्क्रीन शेयर करनी पड़ेगी। लेकिन शो मस्ट गो ऑन, रोहित भी शायद यही चाहते होंगे, आगे बढ़ना है। और ताल ठोक के जिसकी शुरुआत रोहित सरदाना ने की थी, इसी तरह से आगे भी ताल ठोकता रहेगा। प्रेजेंटिंग वी न्यूज़ ऐप अवेलेबल ऑन गूगल प्ले एंड ऐप स्टोर, डाउनलोड इट नाउ।